ज़्यादातर इन खबर से आगाह कर रहे हैं EBM काजवे रोड पर डाकों का राज। जी हाँ, ज़्यादातर इन खबर से आगाह कर रहे हैं EBM काजवे रोड पर डाकों का राज। कुछ ही देर पहले डाकुओं ने काजवे रोड पर गाड़ियों को लूटने की कोशिश की। ताज़ातरीन सूरत हाल जानने के लिए हम अपने नुमाइंदे चाइना न्यूज़ के नुमाइंदे अरशद अंसारी से बात करते हैं। जी अरशद अंसारी, मैं इस वक्त CPM रोड पे खड़ा हूँ, रोजनामा हिफाजत की जानब से अरशद अंसारी। आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त फायरिंग की आवाज़ आई है और टिकेटी हुई है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, और टिकेटों की तादाद जो है वो तकरीबन 2 से 3 बताई जाती है, और पुलिस और रेंजर्स की इस वक्त भारी नफरी यहाँ पे दोनों साइडों पर मौजूद है, और एम्बुलेंस भी खड़ी है कि किसी वक्त भी वो टिकेट सामने आके फायरिंग कर सकती है, क्योंकि वो भी अच्छे से लेस है। इस वक्त आपको हमारा कैमरा मैन अगर दिखा सकता हो तो रोड पर काफ़ी ट्रैफिक इस वक्त नदी के अंदर मौजूद होने के उनके अभी भी शवाहद मिले हुए हैं, और कह रहे हैं लोग बार बार के वो इस वक्त नदी में मौजूद हैं। जैसे कि आप बाहर दिखाया जा सकता है EBM रोड कॉजवे जो कि ये थाने के अंदर में आता है, वहाँ की नफरी रेंजर्स की नफरी बाकायदा इस वक्त रोड पे दोनों साइडों पे घेरा डाला हुआ है कि ताकि कोई भी ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए असला बरदार पुलिस इस वक्त मौजूद है। देखते रहिए रोजनामा हिफाजत की तरफ से अरशद अंसारी अपना कैमरामैन के साथ।